भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज विधायक और प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 28 अगस्त, 31 अगस्त, 2 सितंबर और 4 सितंबर को प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत विद्युत कार्यालयों से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन दिए जाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन भी किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम 28 तारीख को, जिसके अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम है, और इस हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के सभी नेता अलग अलग समय उनका निर्धारित किया गया है। 9:30 बजे 28 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम फेसबुक लाइव शुरू होगा, और उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय के अंदर अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग जनप्रतिनिधि हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। 29 तारीख को 7 संभागों के साथ में प्रत्येक जिला स्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक उसके अंदर उपस्थित रहेंगे, और कार्यक्रमों की जानकारी जिला स्तर के ऊपर दी जाएगी। 31 तारीख को जिन मंडलों के अंदर विद्युत विभाग के जिन अधिकारियों के ऑफिस है, चाहे वो एक्सएन ऑफिस है, आईएन ऑफिस है या जईएन ऑफिस है, उनके अंदर मंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा है, वो ज्ञापन देने का काम करें, धरना देने का काम करें, प्रदर्शन करने का काम करें, पुतला दहन करने का काम करें। 31 तारीख को ये बिजली की मांगों को लेकर हमारा कार्यक्रम रहेगा। 2 तारीख को उपखंड स्तर के ऊपर उन सब समस्याओं को लेकर जिनके अंदर अपराध भी है, बिजली की समस्या भी है, सरकार की योजनाएं जो सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम सरकार कर रही है, और जिस तरीके से सरकार पिछले 2.5 सालों के अंदर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा इस आधार पर महसूस कर रही है कि इन्होंने कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी हम करने का काम करेंगे, आज भी केसीसी से ऋण लेने वाले किसान आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार हमारा भी ऋण माफ करेगी, लेकिन सरकार ने वो काम भी अभी तक नहीं किया। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर, 2 सालों के अनुदान को लेकर, और क्राइम जिस तीव्र गति से बढ़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उन सब को लेकर 2 तारीख को उपखंड कार्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन, और 4 तारीख को जिला कलेक्टर साहिबानों को ज्ञापन देने का काम हम करेंगे।